एंटो का जो लुक्स है वो ओवरऑल सभी एंटो का सेम लुक्स है, तो लुक्स में कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं किया है। हाँ, कलर में डेफिनेटली किया है, जो ये रेस एडिशन है इन्होंने, तो BS6 एंड BS4 का जो कलर है सेम है, आपको रेड ब्लैक एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन मिलेगा यहाँ पे आपको। जो लाइट है LED वो सेम दे रखा है। हम एंड टायर की अगर हम बात करेंगे तो टायर में कोई चेंजेस नहीं किया है, टायर वही सेम दे रखा है 110/80x12 वो है टायर का साइज़, एंड BS4 में भी यही था। यहाँ पे आइए एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा चेंजेस, जो लेग जो मड गार्ड है पीछे का, इसमें आपको थोड़ा सा हल्का सा चेंजेस मिलेगा। एंड यहाँ पे ना जो ये इसका मड गार्ड है, ये TVS नहीं BS4 में आप निकाल सकते थे इस मड गार्ड को, इस सेक्शन को, मगर इसमें आप निकाल नहीं पाओगे क्योंकि ये ऑलरेडी अटैच कर रखा है, यहाँ पे कोई स्क्रू नहीं दे रखा है कि भाई इसको हम निकाल सके बोल के। तो यहाँ पे आपको दूसरा चेंजेस देखने को मिलेगा, वो है ये जो किक, आपको BS4 में किक उस तरफ से मारना पड़ता है। एक्चुअली कैसा, उस तरफ खड़ा हो जाइए तो ये सेक्शन है ना उल्टा उल्टा रहता है BS4 में, तो ये सही किया इन्होंने, ये ऐसे मार सकते हो, तो ये किक में चेंजेस किया है। यहाँ पे है चार्जर पॉइंट, चार्ज कर सकते हो आप अपने मोबाइल या पावर बैंक को कुछ भी। एंड यहाँ पे है OBD, तो ये वाला जो सेक्शन है ना, ये वाला सेक्शन मुझे बहुत ही खास लगा इस मशीन में, मगर आपको अगर ये खोलेंगे तो यहाँ पे एक केबल कनेक्ट करने का पोर्ट मिलेगा। एंड इसका खासियत ये है कि भाई अगर गाड़ी का इंजन में कुछ भी डिफेक्ट आए हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इंडिकेट करेगा, देखिए ये जो इंजन का सिंबल है येलो कलर में, यहाँ पे इंडिकेट करेगा। हैंडल बहुत ही कमाल का ग्रिपिंग सिस्टम यहाँ पे अभी हो रखा है इस मशीन में। तो BS4 में क्या होता था कि भाई उसमें भी अच्छा खासा ही था, मगर जो हैंडल है वो थोड़ा छोटा था उसमें, तो इसमें हैंडल का साइज़ थोड़ा बड़ा कर दिया है, तो उस वजह से क्या होता है कि भाई जो ये ग्रिपिंग है हैंडल में बहुत ही अच्छी तरीके से बैठता है, ये मुझे एहसास हुआ अभी वर्क अराउंड के चलते। तो क्या होता है कि भाई ग्रिपिंग अगर अच्छा हो तो भाई फिर राइड भी और भी स्मूथ होगा, एंड ग्रिपिंग वाइज बहुत ही कमाल का है हैंडल मोटा होने के कारण से। What's up people, this is Arjun here and once again welcome back to my YouTube channel Desi Vlogger. तो गाइस कैसे हो आप लोग, होप कि आप सब अच्छे हो एंड अच्छे ही रहना, ठीक है। तो गाइस मतलब काफ़ी दिनों से मैं ये सोच रहा था कि भाई BS4 एंड लाइक BS6 के बारे में हम कुछ बताए बोल के, हालांकि मैं दोनों मशीन को एक साथ तो नहीं रख पाऊंगा क्योंकि अब सभी बंदे लोग जिस जिसके पास BS6 है वो भाई अपने अपने काम के चलते अपने अपने काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, एंड हम भी तो वही काम के सिलसिले में हम भी कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर होते रहते हैं, तो उसके चलते अब मैंने एक्सपीरियंस किया है BS4 तो फुली, अब पिछले कितना आठ महीना से तो ये मेरे साथ ही है, एंड BS6 भी मैंने काफ़ी बार चलाया है, तो मैं दोनों का कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा कि भाई कि आपको कौन सा गाड़ी लेना चाहिए बोल के, क्योंकि मुझे काफ़ी कॉमेंट काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि भाई भाई हम BS6 खरीदे या BS4, क्योंकि अब दोनों में बहुत तो नहीं कुछ कुछ डिफरेंसेस है जो अब हम बताएंगे आपको। अगर हम दो मशीन को ना अगर एक एक करके देखें तो BS6 काफ़ी अपग्रेड हो चुका है BS कम्पेयर टू BS4, ठीक है, क्योंकि BS4 में आपको जो फ्यूल टैंक है वो 5.5 मिलेगा, एंड उसी के चलते BS6 में आपको 5.8 लीटर का आएगा फ्यूल टैंक। एंड जो मेन हाईलाइट है BS6 के बारे में ये है FI इंजन, फ्यूल इंजेक्टर इंजन, जो कि BS4 में आपको मिलेगा कार्बोरेटर, तो ये काफ़ी डिफरेंसेस है, मतलब बहुत अंतर कर देता है ये कार्बोरेटर एंड लाइक FI इंजन, ठीक है, तो दोनों में बहुत ही भिन्नता है। FI इंजन होने के नाते जो इसका एग्जॉस्ट का नोट है, जो साउंड है, वो थोड़ा लो हुआ है, लो इन द सेंस मतलब स्मूथ हो चुका है, और मतलब स्मूथ हुआ है, तो अगर BS4 में आप देखोगे तो जो एग्जॉस्ट नोट है वो काफ़ी बड़ा है, लाउड है, मगर BS6 में आपको लाउड एग्जॉस्ट नोट नहीं मिलेगा, साउंड उसका आपको थोड़ा कम ही मिलेगा एज़ कम्पेयर टू BS4। एंड जो BS6 में जो टेक्निकल अपग्रेड हुआ है वो है OPD, यानी कि मैंने आपको दिखा दिया था जो BS4 का डिक्की के अंदर रहता है वो एक डाटा केबल कनेक्ट करने का OPD बोल के, तो वो दे रखा है, वो कनेक्ट करने से अगर मतलब वो OPD तो छोड़ो, मगर यहाँ पे जो डैशबोर्ड में स्पीडोमीटर में वहाँ पे एक कनेक्शन दे रखा है, मतलब इंजन का यहाँ पे साइन दे रखा है। एक्चुअली अभी BS6 मेरे पास होता तो मैं आपको दिखा देना था, यहाँ पे इंजन का साइन रहता है, एंड अगर आपका गाड़ी कहीं पे भी या कुछ टेक्निकल इशू होगा अंदर ही अंदर, मतलब टेक्निकल इशू हो रहा होगा, तो यहाँ पे इंडिकेट करेगा उस स्पीडोमीटर में, उस डैशबोर्ड में,
तो उसके चलते आपको पता चल जाएगा कि भाई गाड़ी में कुछ डिफेक्ट आया है बोल के। एंड जो सबसे बड़ा मतलब चेंजेस मेरे लिए लगा, इसका जो हैंडल है ना, ये BS4 में आपको छोटा मिलेगा, ठीक है। ये जैसे कि देखा जाए तो काफी छोटा है एज कम्पेयर टू BS6। एंड BS6 में मैंने चला के देखा, इस पोर्शन जो है हैंडल है ये काफी बड़ा है, एंड उसके चलते आपका राइडिंग काफी स्मूथ बना देता है। एंड लॉन्ग राइड में ये खुद मैंने ही एक्सपीरियंस किया है, लॉन्ग राइड में अगर आप कंटिन्यूसली गाड़ी चलाते हो तो आपका ये जो पोर्शन है प्लम, ये दर्द करने लगता है, लिटरली सही में ये दर्द करने लगता है। तो ये चीज रिलीफ होगा अगर आप BS6 में लॉन्ग राइड जाते हो तो, क्योंकि इसका जो साइज है काफी बड़ा कर दिया है, एंड लाइक पकड़ने में भी काफी अच्छा लगता है, स्टेबिलिटी आता है, गाड़ी अच्छे से भगता है, एंड जो कंट्रोल होता है वो और भी अच्छी तरीके से होता है। तो ये मुझे BS4 में अब है तो है, अपना गाड़ी है, अपने को तो अच्छा ही लगेगा, मगर जो मेरा ओपिनियन है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, मुझे ये चीज अच्छा नहीं लगा यहाँ पे, ये इसका साइज। तो BS4 में इसका साइज काफी बड़ा कर दिया है, अगर आप उसको चलाते हो तो काफी कंफर्टेबल लगेगा आपको। तो गाइस अब मेरा पर्सनल ओपिनियन भी सुन लो कि भाई आपको BS6 खरीदना अच्छा है या BS4 खरीदना बेटर है बोल के, ठीक है। तो दोनों मशीन में तो भाई ओवरऑल एज कम्पेयर टू पावर यहाँ पे बराबर है, मशीन भाई दोनों में कंपेयर करे तो आपको दोनों ही बराबर लेवल का मिलेगा, मगर अब BS6 में क्या है कि भाई थोड़ा अपग्रेड होके आ रखा है, एंड आदमी को क्या चाहिए, अपग्रेडेड वर्जन तो चाहिए ना। मगर मेरे तरफ से अगर आप खरीदोगे तो जरूर BS6 खरीदना, चाहे 2 महीना क्यों ना लेट हो आपको वेट करने में, तो फिर भी BS6 ही खरीदना, क्योंकि मेरा जो पहला ओपिनियन है ना कि भाई राइडिंग जो पोस्चर है ना वो काफी कंफर्टेबल कर देता है BS6 इस हैंडल के चलते, तो ये काफी मैटर करता है। लॉन्ग राइड में अगर आप जाओगे तो भाई आपका ये लिटरली ये दर्द करता है, तो इसके चलते मैं आपको BS6 ही प्रेफर करता हूँ अगर आप खरीदोगे तो। एंड लेट से ही सही, आपको 2-4 महीना क्यों ना लेट करना पड़े, फिर भी आप BS6 ही खरीदे, उस मशीन को ही खरीदे। BS4 भी हाँ नो डाउट कि भाई इसमें लैक ऑफ परफॉर्मेंस है बोल के, नो डाउट इसमें भाई पावर पैक मशीन है, ये बहुत लंबा समय तक दौड़ेगा अब मेरे से, अब अपने पास तो BS4 ही है, मगर अगर आप जाते हो तो जरूर BS6 के साथ ही जाना, जरूर BS6 को ही खरीदना। तो ये मेरा लास्ट ओपिनियन है कि भाई आप BS6 ही ले लो, अगर आप अभी हाल फिलहाल में खरीदोगे ना तो BS4 क्यों खरीदना, जो अपग्रेडेड वर्जन आया उसको ही आप ले लो, थोड़ा सा पैसा रुपए में अदला बदली होगा तो फिर भी यार आपको परफॉर्मेंस भी तो ऐसा ही देगा, ऐसा नहीं कि भाई BS4 में कमियां है बोल के, इसमें कोई भी कमियां नहीं है, मगर हम तो चाहेंगे आपको BS6 ही ले ले बोल के। अगर फिर यार डीलर वाले अगर आपको बोल दे कि भाई 6 महीना वेट करो उसके बाद ही जाके मिलेगा बोल, मुझसे ऐसा नहीं होगा, तब आप तुरंत BS4 ही खरीदना, ठीक है। 6 महीना कौन अपना इस भावना को रोक पाएगा, है कि नहीं, अब नया गाड़ी आने को है, आज या कल परसों आएगा, तो फिर यार चलो 2 महीना तो हम वेट कर लेंगे, मगर 6 महीना कौन वेट करेगा, तो आप BS4 ही खरीदो यार, नो डाउट BS4 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये तो मैं आपको गारंटी देता हूँ। सो विद दिस इट गाइस, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देता हूँ, एंड इफ यू डू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, एंड इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, बाय बाय।